फिर अब हम लोग इसका फोर्थ नंबर देखते हैं, 2x+3y इक्वल टू में 8, फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा है आपका x-2y इक्वल टू में -3। चलिए ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x इक्वल टू में लिख सकते हैं कि नहीं, 8-3y यानी कि x इक्वल टू में 8-3y और y में 2। चलिए अब पुट करते हैं, y इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8-3 × 0/2 यानी 8/2, यहाँ कट के आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हम लोग पुट करते हैं, y इक्वल टू में 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8-3 × 2/2 यानी यहाँ देखो आपका 3 × 2 = 6, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/2, यहाँ 1 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने एक चार्ट यहाँ बना लिया। ठीक, एक्स वाई, तो हमने वाई जब 0 पुट किया है एक्स का वैल्यू 4 आया है, वाई जब हमने 2 पुट किया है तो एक्स का वैल्यू 1 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो x-2y = -3 यानी x इक्वल टू में कह रहे थे 2y-3 हो जाएगा, पुट करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 3 यानी -3 आ जाएगा। फिर तो अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में, आप 2 पुट कर दो तो x इक्वल टू में हो जाएगा आपका 2 × 2 - 3, 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। समझ गए, चलिए तो इसके लिए भी हम लोग इसका एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, जब हमने 0 पुट किया है तो एक्स का वैल्यू -3 आया है, जब हमने 2 पुट किया है तो एक्स का वैल्यू 1 आया है, यही ना आया है जी। चलिए अब इसके बाद आगे इसका ग्राफ देखते हैं, चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। ठीक, ये आपका एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और यहाँ पर ये वाई डैश हो गया। चलिए देखते हैं, कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक काफ़ी है, 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5 ठीक है, -1, -2, -3, -4 काफ़ी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, x का 4 है, y का 0 है, ये होगा 4 0। ठीक है, चलिए और दूसरा x का 1, y का 2, 1 और 2 ये हो जाएगा, 1 और 2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की अगर बात करेंगे तो वह लाइन इस तरह से होगा ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यही ना होगा, इसी तरह से जाएगा, चलिए इसी तरह से ना जाएगा। चलिए तो हम लोग इसका अब यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था आपका 2x+3y = 8। ठीक है, 2x+3y = 8। चलिए अगला देखते हैं आगे, x-3y = 0, x-3y = 0 ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x-1y = 2, x-1y = 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो किस तरह से जाएगा, यहाँ से इसी तरह निकलेगा, चलो इसी तरह से जाएगा। चलिए तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही ना x और y का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2, और हमें कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे मीट कर रहे हैं वो देख रहे हैं, यही है, तो लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो -3, 0 एंड 4, 0, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।